तालिब इल्मों को देखो तो का जोर सबसे ज्यादा इन्हीं में पाओगे। साल भर खेल कूद में गुजार दिया, इम्तिहान आया तो कर दी, यानी कल से पढ़ेंगे। आखिर ये यहाँ तक खींची कि इम्तिहान आ गया, फेल हुए, इस फेल होने पर भी कर दी। ये बहुत बामानी होती है। इसके मानी तो ये हैं कि बाप जिंदा है, खाने पीने उड़ाने को मुफ्त मिलता है, अगर वो भी मर गए तो जायदाद मौजूद है, कर्जा देने को साहकार तैयार हैं, फिर पढ़ लिख कर अपने टाइम क्यों जाया करें। दूसरे मानी ये हैं कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, सिर्फ 18 बरस के तो हुए हैं, अगर मिडिल के इम्तिहान में 2-4 दफा फेल हो चुके हैं तो क्या हर्ज है। 30 साल की उम्र तक भी इंटर पास कर लिया तो सिफारिश के बल पर कहीं ना कहीं तो चिपक ही जाएंगे, या कम से कम विलायत जाने का कर्जा तो जरूर मिल ही जाएगा, और जरा कोशिश की तो बाद में माफ भी हो सकेगा। इस फेल होने पर इधर उन्होंने की और उधर माँ बाप ने की। इस सूरत में अब्बा और अम्मा की का दूसरा मतलब है, यानी कि बच्चा अभी फेल हुआ है, दिल टूटा हुआ है, जरा कुछ कहा तो कहीं ऐसा ना हो कि रो रो कर अपनी जान हलकान कर ले, या फिर कहीं ये ना हो कि कहीं डूब कर जा मरे। घर वाली की सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इसी मामा पर खफा हो रही है, वो बराबर जवाब दिए जाती है, ये करके खामोश हो जाती हैं। लीजिए नौकर शेर हो गए, घर का सारा निजाम दरहम बरहम, खुद इनके इख्तियार सल्ब, घर की हुकूमत उनसे छिनी और मामाओं के हाथ में चली गई। कोई चीज चोरी हो गई, बेगम साहिबा ने इधर उधर ढूंढा, कुछ थोड़ा बहुत गुल मचाया, आखिर करके बैठ ही गई। अब क्या है, पिटारी में कत्था छालिया गायब, खर्च की संदूकची में से रुपये पैसे गायब, संदूकों में से कपड़े गायब, गर्ज के रफ्ता रफ्ता सारे घर का सफाया ही हो गया। मामा ने कोई रकाबी तोड़ डाली, शिकायत हुई, उन्होंने वही का इस्तेमाल किया, नतीजा ये हुआ कि थोड़े ही दिनों में अलमारी के पीछे से शीशे और चीनी का इतना टूटा हुआ सामान निकला कि खासे कई संदूक भर जाएं। बच्चों ने कोयले से दीवारों पर लकीरें खींची, दरवाजों पर पेंसिल से कीड़े मकोड़े बनाए। पहले तो ये थोड़ी बिगड़ी, फिर करके चुप हो गई। अब रहे मियाँ, तो उनकी सबसे ज्यादा तेज है, बीवी किसी बात पर बिगड़ी फिर कह के बाहर चले गए। हाँ ये जरूर है कि मियाँ बीवी की बाज दफा वो काम कर जाती है जो बड़े बड़े अफलातून ना कर सके। बीवी को गुस्सा आया, मियाँ ने कर दी, चलो लड़ाई का खात्मा हुआ। मियाँ किसी बात पर बिगड़े, बीवी ने कर दी, मियाँ का गुस्सा ठंडा हुआ। अगर के बजाय जवाब दिया होता तो मियाँ को घर छोड़कर जाना पड़ता और बीवी को मैके जाना पड़ता। हर मामले की दो सूरतें हैं, फतह या शिकस्त, और दोनों ही सूरतों में नुकसानदेह साबित होती है। शिकस्त पर जिसने की, इसने गोया शिकस्त को शिकस्त न समझा, जिसने फतह पर की, इसने गोया अपनी हिम्मत की कदर ना की। वो आज नहीं डूबा तो कल डूबेगा। दुनिया में वही लोग कुछ कर सकते हैं जो फतह को फतह और शिकस्त को शिकस्त समझें। अब रहे वाले जो लापरवाही से शिकस्त और फतह को बराबर समझते हैं, इनका तो अल्लाह ही मालिक है। दुनिया से अगर मिट ना जाएं तो कम से कम
जूतियां हमेशा जरूर खाएंगे।